नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल्स। और आज चैनल नंबर 10 पर हाजिर हैं हम अपना आज का ये लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेकर, जो कि मैथमेटिक्स का है। और आज इसमें एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं रियल नंबर्स का। तो इस सेशन की शुरुआत करेंगे। वुड लाइक टू बिगिन दिस सेशन विद द मैसेज ऑफ G20। वी आर प्राउड दैट इंडिया अज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर सबमिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन 2023। A nation deeply committed to the democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in the history as it seeks to play an important role by finding the pragmatic global solutions for the well-being of all. And in doing so, manifest the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or the world is one family. So with this positive note, would like to begin this session. आप भी हमारे इस लाइव इंटरेक्टिव सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। चाहें तो 8800440559 पर फ़ोन करें या क्लास 10th की ईमेल आईडी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। हमारे साथ आज बतौर एक्सपर्ट मिस सविता ग्राहक हैं। आप टीचर हैं गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र में। सविता जी नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम इन द सेशन। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस स्वागत के लिए। और रियल नंबर्स की आज हम बात करने जा रहे हैं। क्लास 10th का ये सेशन है और जैसा हम सब जानते हैं नए सेशन सभी क्लासेस के शुरू हो गए हैं। तो कैसे शुरू होने जा रहा है आज क्लास 10th का ये पहला सेशन? जी राहुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। दिस इज द वेरी फर्स्ट सेशन फॉर द सेशन 2023-24। क्लास 9th में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे अभी, सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट दे हैव बीन प्रमोटेड टू क्लास 10th एंड दिस इज देयर बोर्ड क्लास। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास फॉर व्हिच द स्टूडेंट्स विल लिसन फॉर द होल ईयर, दैट पढ़ लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम पढ़ लीजिए। ये आपका वेरी फर्स्ट बोर्ड एग्जाम रहने वाला है क्लास 10th, यानी कि बोर्ड एग्जाम्स वाली क्लास। तो इस चीज की टेंशन या प्रेशर लेकर हमारे स्टूडेंट्स ना बढ़े, बल्कि दे शुड स्टार्ट द न्यू सेशन विद अ न्यू चार्म, विद अ न्यू enthusiasm and with the new chapters undoubtedly. So the very first chapter from class 10 in mathematics, it is real numbers. Real numbers is a topic about which our students have also studied in their class 9. बहुत ही interesting सा टॉपिक होता है मैथ्स में। जैसा अगर हम यहाँ डिस्कस करें, एक चार्ट हम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इस चार्ट में एक छोटा सा ब्लॉक, जो सबसे छोटा ब्लॉक यहाँ बना है, ये ब्लॉक लिखा है नेचुरल नंबर्स। So when the students were there in class 4th, 5th, 6th, they have studied about natural numbers. That all the numbers which comes from nature, or I must say all the numbers starting from 1 are known as natural numbers. Okay. यहाँ पर three natural numbers लिखे भी गए हैं, 3, 70 and 21. और अगर इन सभी नेचुरल नंबर्स में एक नंबर जीरो को ऐड कर दिया जाए तो वो जो ग्रुप बन जाता है, दैट न्यू ग्रुप इज नोन एज द सेट ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स काउंट होते हैं? ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड जीरो इन एडिशन टू दोस ऑल। और नेक्स्ट ग्रुप इज ऑफ इंटीजर्स। जब हमारे स्टूडेंट्स धीरे धीरे क्लासेस में आगे बढ़ रहे हैं, इंटीजर्स इज द टॉपिक अबाउट विच यू हैव स्टार्टेड स्टडिंग इन योर क्लास 6th, then you have studied the same in your class 7 in elaborative form. So this is the topic integers. Integers में क्या होगा? सभी natural numbers हैं, वो integers होते हैं. All the whole numbers are integers. तो extra क्या add हुआ? All the negative complete numbers are also integers. -3, -1, -2, -4 और यहाँ बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लिखा है -4 को, विच इज -8/4। -8/4, इफ यू वॉन्ट टू कैंसिल इट, यू आर एबल टू गेट अ कम्प्लीट नंबर विच इज -4। सो -4 इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक इसी तरह से यहाँ आप देख पा रहे हैं, देयर इज अ नंबर रिप्रेजेंटेड बाय √4। तो वैसे तो √ के नीचे अगर हम लिखते हैं √2, √3, उसके बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि इस तरह के नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर्स। बट √4, सिंस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो द वैल्यू ऑफ द सेम इज 2। हमें पता है कि 2² = 4 होता है, दैट मीन्स √4 is 2, सो दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर। और इंटीजर से भी बड़ा जो सेट होता है वो हो जाता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। और सेट ऑफ रेशनल नंबर्स यानी कि ऐसे सभी नंबर्स जिन्हें हम P / Q की फॉर्म में लिख सकते हैं,
condition is there, what the condition is, that q should not be zero, and the second condition is that p and q both must be integers. That okay. means the value of p should be positive or negative integer, the value of q should also be positive or negative integer. तो ये सभी वैल्यू हमारी आ जाती है अंडर द ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर्स, और रेशनल से अलग, बिल्कुल अलग, ये जो हम यहाँ पर पिंक कलर का एक ब्लॉक देख पा रहे हैं, दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर्स. बट जब हम कॉम्बिनेशन कर देते हैं रेशनल्स एंड इरेशनल्स का, तो वो जो नया सेट हमारा बनकर निकलता है दैट इज नोन एज द रियल नंबर्स. यानी कि अभी तक हमारे व्यूअर्स ने अप टू क्लास 9 रियल नंबर्स के वेरियस पार्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है, और अभी आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर रियल नंबर्स पर ही कुछ एक एप्लीकेशंस को प्रूफ करेंगे. हम प्रूफ करेंगे कि किस तरह से हम कह सकते हैं कि यस रूट 5 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल. सो दिस विल बी द बेसिकली द मेन टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. एंड एट द वेरी फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. सो अर्थमेटिक की फंडामेंटल जो थ्योरम है वो क्या कहती है, डायरेक्ट थ्योरम की हम स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे, हम एक छोटा सा पहले एग्जांपल देखते हैं. लेट अस डिस्कस अबाउट अ क्वेश्चन 36, और हम कर रहे हैं 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन, जो आप बहुत छोटी क्लास से, क्लास 6 से ही करते आ रहे हैं. सो लेट अस ट्राई टू डू द सेम. यू आर एबल टू रीराइट the same number 36 as the product of its prime factors. हम 36 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 3 into 3. इसी तरह से मान लीजिए मैंने same question किसी और student को दिया, but the question is same कि 36 के prime factorization करना है. तो what will that child do? That will just be possible कि वो बच्चा सोचे कि yes this number is divisible by 3. तो वो सबसे छोटा जो फैक्टर है वो 2 को प्राइम फैक्टर ना लेकर सबसे पहले 3 को अगर प्राइम फैक्टर लेता है, सो इवन देन सी नाउ 12 इज डिविजिबल बाय 2, यस 6 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, एंड देन 3 इज डिविजिबल बाय 3. यानी 36 को एक स्टूडेंट ने लिखा 2 into 2 into 3 into 3, एक दूसरे स्टूडेंट ने फैक्टराइजेशन करते हुए लिखा 3 into 2 into 2, yes, right. into 3. Okay. Is there any difference between these two? I think there is the only difference, you know, in type of writing. In the type of writing, very good. This is very important part of this definition, sir, which you have caught up here. What that is, that the order, here it is written in our definition as well, that the order of the prime factors can be changed. Okay. The other thing is this factorization is unique. Yani yahan par factorization hamesha aur hamesha unique rahegi. Aisa nahi hai ki ek viewer, ek student likh raha hai ki 36 ke factors hain 2 and 17. Dusra student kehta hai ki 36 ke factor hai 2 into 2 into 3 into 3. Koi student kuch aur bol de, that is not possible. The only difference that can be there, that is the place of these prime factors can be different. तो definition अभी आपको यहाँ से ही clear हो जाएगी. What is the definition? That every composite number जिसके factorization किए जा सकते हैं, ऐसा number जिसके दो से ज़्यादा factors होते हैं, उसे आप बोलते हैं composite number. जैसा कि हम देख सकते हैं in this example that 36 is a composite number. तो किसी भी composite number को हम express कर सकते हैं as the product यानी multiplication of its primes. Every composite number can be expressed as the product of its primes, the very first thing in this statement, in this theorem. The next thing is prime factorization hamesha unique hoti hai, and the third thing is only the order of the prime factors can be different. So this is all about this theorem. Aur abhi is theorem ka use karte hue hum solve karte hain ek question. What the question here is, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. हमें proof करना है कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो number given है हमारी screen पर, ये एक composite number है. Dear viewers, हमें पता है, हम जानते हैं कि कैसे number को हम composite number बोलते हैं.
कोई भी ऐसा नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स इज नॉन एज कंपोजिट। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि जो गिवन नंबर है इसके फैक्टर्स दो से ज्यादा हैं या नहीं है। आपको देखने में भी लग रहा है कि 7 इज प्राइम, 11 इज प्राइम, 13 इज प्राइम, दिस 13 इज अगेन प्राइम, सो हो सकता है ये प्राइम बनता है। सो लेट अस चेक दिस। द नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इट कैन बी री रिटन एज। सबसे पहले चेक करते हैं कि टोटल कितनी टर्म्स हैं इस नंबर में। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म। जहां से भी प्लस या माइनस का साइन शुरू होगा तो नेक्स्ट टर्म हमारी स्टार्ट हो रही है, बशर्ते कि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन ना हो। ओके, सो वी कैन सी दैट 13 कैन बी टेकन कॉमन फ्रॉम हियर। इफ 13 इज टेकन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इफ 13 इज टेकन कॉमन देन द सेम नंबर हैज बीन रिटन एज 13 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1। सो डियर व्यूअर्स, पूरा नंबर आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। You can just observe from here that the number has been written as the product of two different numbers. तो हमें पता है कि किसी भी नंबर के दो फैक्टर्स तो कम से कम होते ही हैं। So we can write from here that the given number has at least four factors. It is clear from here कि जो हमारा given number है इस number के कम से कम four factors तो हैं। और कौन कौन से four factors हैं ये? वन, द नंबर इटसेल्फ, जो भी इस नंबर को सॉल्व करके आने वाला है वो पूरा नंबर कंप्लीट। वन फैक्टर इज क्योंकि हमने 13 को कॉमन लिया है, कॉमन ले पा रहे हैं, इसलिए वन ऑफ द फैक्टर इज 13 एंड वन ऑफ द फैक्टर इज दिस 7 इंटू 11 प्लस 1। सो वी कैन से दैट द गिवन नंबर हैज एट लीस्ट फोर फैक्टर्स, उससे ज्यादा भी फैक्टर्स होने पॉसिबल हैं। लेकिन ये हमें समझ आ गया कि इस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, ड्यू टू विच You can say that the number has more than two factors. Therefore, this is undoubtedly a composite number. दो से ज्यादा factors होने के कारण इस number को हम composite number बोल सकते हैं. Now, let us see the theorem. What it is? Let P is a prime number. Theorem है. Theoretically थोड़ा सा चलेगी. But concept को अगर हम लोग ध्यान से समझेंगे तो we will be able to understand it easily. What it is? That P is a prime number and it is also given that P divides A square, then surely P divides A. एक example की help से कर लेते हैं, जिसे 2 कोई भी prime number है और 2 divide करता है 4 square को, that means 16 को, 16 is directly divisible by 2, तो undoubtedly 2 also divides A, that means 2 also divides 4. तो अगर P कोई भी prime number है जो कि ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसके स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है, वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर गिवन टू अस। सो हाउ विल दिस थ्योरम बी प्रूव्ड? सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए कोई भी कंपोजिट नंबर है। अगर ए कोई भी कंपोजिट नंबर है, जैसे हमने अभी 36 का एग्जाम्पल लिया था, तो हम ए को सो एंड सो ऐसा करके प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और इन सभी प्राइम फैक्टर्स को हमने एज्यूम किया P1, P2, P3 अप टू Pn। सो वी हैव रिटन दैट A इज इक्वल टू P1 मल्टीप्लाइड बाय P2। डियर व्यूअर्स, ये जो आप छोटा सा डॉट यहाँ पर देख पा रहे हैं बिटवीन दीज नंबर्स P1, P2, P3 अप टू Pn, ये डॉट मल्टीप्लीकेशन को शो करता है। यानी अगर आप लिखते हैं A इक्वल्स P1 इंटू P2 into P3 into P4, so this multiplication can also be shown by this product sign. So हमने लिखा कि A कोई भी ऐसा composite number है जिस number को हम उसके prime factors के product की form में लिख पा रहे हैं, that is P1 into P2 P3 into up to dash 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 dash। बीच में जो ये बहुत सारे dots आप दिखाई देख पा रहे हैं, इन dots का मतलब है कि बीच में कितने भी prime factors हो सकते हैं, where P1 इंटू P2 और P3 ये सभी जो है ये क्या है? प्राइम्स हैं, यानी कि A के प्राइम फैक्टर्स हैं। और एक कंडीशन है, जरूरी नहीं है कि ये सभी प्राइम फैक्टर्स जो हैं ये डिस्टिंक्ट हों। मेंशन किया गया है नॉट नेसेसरीली ऑल डिस्टिंक्ट। इसे आप वापस इस एग्जांपल की हेल्प से देख पाएंगे, जैसे यहाँ 36 के आपने फैक्टर्स किए थे तो सभी फैक्टर्स डिस्टिंक्ट या अलग अलग नहीं थे,
अलग अलग हो भी सकते हैं और उनमें से कुछ फैक्टर्स सेम भी हो सकते हैं। तो अगर ये सभी में से कुछ फैक्टर सेम भी है, दैट इज ओके। हमने जो काम करना है, हमें दिया गया था p एक प्राइम नंबर है जो कि a स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो a हमारे पास हमने लिखा p1 into p2 up to pn, हम वहां से निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ a स्क्वायर बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी डेफिनेटली a स्क्वायर एंड योर राइट हैंड साइड विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज ऑल, दैट मींस p1 into p2 into p3 up to pn होल मल्टीप्लाइड बाय the same, which can further be rewritten as p1 square into p2 square into p3 square up to pn square. Alright, ये अभी हमने क्या किया, a square की value निकाली है। Further हम बोल रहे हैं कि p is a prime number which divides a square, तो हम मानकर चलते हैं कि p is a number which divides a square. देखिए, हमें पता है कि fundamental theorem of arithmetic की help से हम बोल सकते हैं कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है या दुनिया का कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि 3 डिवाइड्स 36 और 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर, सो गारंटेड जो 3 है वो 36 का फैक्टर होगा, गारंटेड। हो ही नहीं सकता कि कोई नंबर किसी का फैक्टर नहीं है और वो उसे डिवाइड कर दे। जैसे आप देख सकते हैं कि 5 जो है वो 36 का फैक्टर नहीं है, और अगर आप 5 से 36 को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो रिमाइंडर बचता है, अदर देन 0 कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, यानी कि क्लियर है कि 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36। लेकिन जब भी कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो गारंटेड वो नंबर उस नंबर का फैक्टर होगा, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की हेल्प से हम बोल सकते हैं कि p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर, क्योंकि ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग यहाँ से चीज निकल रही है, p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, तो p प्राइम फैक्टर है a स्क्वायर का, लेकिन a स्क्वायर के जितने भी फैक्टर्स थे p1 p2 p3 pn, ये सभी तो a के भी फैक्टर्स थे। p a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है, तो p जितने भी फैक्टर्स a स्क्वायर के हैं उन्हीं में से एक होगा। अगर वो a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है तो गारंटेड p a का भी फैक्टर होगा, क्योंकि हमने यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम में किया है कि प्राइम फैक्टर्स यूनिक होते हैं, अलग अलग नहीं हो सकते। सो बाय द यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम वी कैन से दैट p इज वन ऑफ द नंबर्स p1 into p2 into p1, इन्हीं सब में से एक होगा, कुछ अलग नहीं होगा p। Alright, ये कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। Right. हमने बोला, इसे हम डिस्कस करते हैं सर, दैट p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी p a स्क्वायर का क्या होगा, एक प्राइम फैक्टर होगा। जबकि हमने तो बोला कि a स्क्वायर के सभी फैक्टर्स p1 p2 अप टू pn है, तो p इन्हीं सब में से कोई एक फैक्टर होगा, और अगर p इन्हीं सब में से होगा तो गारंटेड p a का भी फैक्टर होगा, और अगर वो a का फैक्टर है तो वो a को डिवाइड करेगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस थ्योरम। तो हमें यहां से समझ आता है कि p अगर कोई प्राइम नंबर है और वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम का यूज हम करेंगे बाय सॉल्विंग सम क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले हम कुछ और स्टेटमेंट्स डिस्कस करते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज आल्सो इरेशनल। जिसे अगर हम बात करते हैं कि रूट टू इरेशनल है, तो रूट टू का नेगेटिव क्या हुआ, नेगेटिव रूट टू, वो भी क्या होगा, दैट विल आल्सो बी इरेशनल। ओके, द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, इफ पी इज अ पॉजिटिव प्राइम देन अंडर रूट पी विल ऑलवेज बी इरेशनल। कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव प्राइम, पॉजिटिव भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होगा, तो गारंटेड अंडर रूट पी हमेशा इरेशनल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करती हूँ कि 7 और 11, लेट अस से 11, 11 पॉजिटिव है, 11 प्राइम भी है, क्योंकि ये सिर्फ 1 और अपने ही टेबल से डिविजिबल है, तो 11 का रूट जो है दैट विल डेफिनेटली बी एन इरेशनल नंबर। द नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम प्लस कर दें या माइनस कर दें किस चीज को, एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर में,
The sum and difference of a rational and an irrational number will always and always be irrational. जैसे हम बात करें टू, टू कैसा नंबर है? रेशनल. रेशनल. रूट थ्री इरेशनल. यस सर, यू आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक वेरी वेल. सो द सम ऑफ बोथ ऑफ दीज, टू प्लस रूट टू, दैट विल ऑल्सो बी इरेशनल. जब भी रेशनल को इरेशनल में प्लस कर दें या माइनस कर दें या फिर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो नया नंबर निकल कर आता है दैट विल बी इरेशनल. हाँ, जीरो को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल नंबर से, जीरो इंटू रूट थ्री, सो द आंसर विल बी रेशनल. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर. सेम कॉन्सेप्ट है, नॉन जीरो रेशनल नंबर यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि जीरो को किसी भी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आंसर विल बी जीरो, ड्यू टू विच द आंसर विल बिकम रेशनल. बट इफ इट इज अ नॉन जीरो रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय एन इरेशनल नंबर देन द रिजल्ट विल बी इरेशनल. सो द प्रोडक्ट सम, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल. जरूरी नहीं है कि आप जब दोनों ही नंबर्स इरेशनल लेते हैं तो उन दोनों का सम भी जो है वो इरेशनल हो जाए. एग्जाम्पल देखते हैं, इफ यू आर गोइंग टू एड टू एंड नेगेटिव टू, दोनों ही इरेशनल है, टू इज रूट टू इज इरेशनल, नेगेटिव रूट टू इज इरेशनल, लेकिन इन दोनों का सम जो है वो क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल टू जीरो विच इज अ रेशनल नंबर. So, sum, difference, product and division of two irrational numbers need not be irrational. Okay. अभी हम discuss करते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि root two irrational होगा. ये question बहुत बहुत important questions में से एक है. हमारे व्यूअर्स को बता देते हैं, इन द सेशन 2023-22-23 यानी अभी जिन बच्चों ने बोर्ड एग्जाम दिए हैं क्लास 10th के, दे वर हैविंग दिस क्वेश्चन इन देयर एग्जाम, प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल. तो जैसे हम रूट टू को सॉल्व करेंगे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है रूट थ्री. आई वुड लाइक कि हम रूट टू यहाँ डिस्कस करते हैं और हमारे व्यूअर्स रूट थ्री इज इरेशनल खुद से जरूर प्रूव करें. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज प्रूव दैट रूट टू इज irrational. Before starting the question, let us discuss a few definitions. What these definitions are? The very first is, what do we mean by rational numbers? जैसा कि अभी हमारे viewers ने बोला, all those numbers जिनको हम p by q form में लिख सकते हैं और q zero ना होने चाहिए, उन्हें हम बोलते हैं irrational. ऐसे ही discuss करेंगे co-prime numbers. Co-prime number नहीं होता, co-prime numbers हम बोलते हैं. तो ऐसे दो नंबर्स जिन दोनों नंबर्स का HCF 1 हो, उन नंबर्स को हम बोलेंगे co-prime नंबर्स. कहने का मतलब ये है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, ऐसे दो नंबर्स जिनका एक ही कॉमन फैक्टर होता है और वो कॉमन फैक्टर होता है 1. जैसा कि बात करें 2 एंड 3, दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर है. ये दोनों नंबर सिर्फ 1 के ही टेबल पर आते हैं और कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसके टेबल पर 2 भी आता हो और 3 भी आता हो. लेकिन अगर मैं लिखती हूँ 15 एंड लेट मी से 20, तो ये दोनों कोप्राइम नहीं है क्योंकि ये अदर देन 1 किसी और टेबल पर भी डिविजिबल है. 5 भी एक ऐसा टेबल है जिसके टेबल पर 15 एंड 20 दोनों नंबर्स आते हैं. अब हम प्रूव करेंगे रूट टू इज इरेशनल. उसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन से हम इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करेंगे. हम मानकर चलते हैं कि रूट टू जो है वो इरेशनल नहीं है बल्कि रेशनल है, और कुछ स्टेप्स के बाद हम शो कर देंगे कि हमने जो सोचा था वो गलत है. तो अगर ये रूट टू रेशनल नंबर है, तो हमने बात की थी कि रेशनल नंबर्स को तो p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं रूट टू इज इक्वल टू समथिंग r अपॉन s, वेयर s इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, एंड हम मानते हैं कि r एंड s जो है ये अभी कोप्राइम नहीं है. ऐसा क्यों मानना पड़ा? जैसे मान लीजिए 15 बाय 20 कहीं डिवीजन में लिखा है, तो अभी ये कोप्राइम नहीं थे, बट इनके कैंसिलेशन के बाद कोई ना कोई स्टेप जाकर ऐसा होगा जहां से आपको 3/4 जैसे इस क्वेश्चन में मिल रहा है, तो अब 3 एंड 4 कोप्राइम हो गए. तो ऐसे ही मानते हैं कि r एंड s कोप्राइम नहीं है, बट इन द लोएस्ट फॉर्म जब हम चेंज करते हैं, लेट अस टेक दैट a एंड b आर कोप्राइम
नंबर्स फोर विच डेफिनेटली बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड रूट टू इक्वल्स ए डिवाइडेड बाय बी. सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसे लिख चुके हैं. ऑलराइट. ओके. रूट टू इक्वल्स टू हमने बात की ए अपॉन बी, तो हम लिख सकते हैं यहां से b into root 2 equals a. Nothing, you just have cross multiplied this b. So b root 2 equals to a. Which can further be rewritten as, मैं यहाँ से squaring both sides कर रही हूँ, और squaring both sides करने पर हमारे viewers लिख सकते हैं 2b square, क्योंकि root 2 का square होता है 2 and b का square होता है b square equals a square. Which can further be rewritten as that b square equals a square divided by 2. Yes, this is an important step here. b square equals a square divided by 2. अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखती हूँ तो क्या मैं लिख सकती हूँ 2 is prime. Prime तो है. Okay. And हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 divides a square, क्योंकि हम साफ साफ देख रहे हैं कि 2 a square को डिवाइड कर रहा है. तो अब जरा अपनी थ्योरम पर चलते हैं जहां हमने बात की थी. अगर p प्राइम होता है और a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो किसको भी डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा. Therefore, 2 also divides a. I hope हमारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा. अब अगर 2 a को डिवाइड करता है, ये रफ वर्क रहेगा. Okay. सिर्फ हमारे व्यूअर्स को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये हम लिख रहे हैं. लेट अस यूज अ डिफरेंट इंक हियर. अगर वो a को डिवाइड करता है, यानी कि आफ्टर सम स्टेप्स कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन जरूर होगा कि कुछ स्टेप्स के बाद जो रिमाइंडर है वो जीरो हो जाए. यानी हम लिख सकते हैं that a is equal to 2 multiplied by q. All right? Okay. और हम put करते हैं a equals 2q in equation number first. So first equation हमारे पास थी b square equals a square divided by 2. हमने अभी बात की कि a को हम लिख रहे हैं 2q क्योंकि 2 a को divide करता है. And then we do have b square equals 2q whole square upon 2, which can further be written as b square equals 2q square. Dear viewers, यहां से क्या आप directly बोल सकते हैं that q square equals b square divided by 2? Yes. This is our equation number 7. All right. तो क्या यहां से हम ये भी बोल सकते हैं that 2 divides b square? Yes. अगर 2 b square को divide करता है तो 2 किसे divide करेगा? b को. b को भी करेगा. अब कितनी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बन गई कि 2 डिवाइड करता है a को, 2 डिवाइड करता है b को. लेकिन जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमने बोला था कि a एंड b आर को प्राइम नंबर्स. ओके. यानी a और b को 1 के सिवा कुछ भी और डिवाइड नहीं करता. बट हम प्रूव कर चुके हैं कि 2 है भाई ऐसा एक नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है. 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b. देयरफॉर a and b cannot be co-prime. Okay. और अगर a and b co-prime नहीं हो सकते, so our supposition is wrong. This is a contradiction due to which root 2 is not a rational number, but it is irrational. Irrational number. This is, I hope the time went over and this is all for today. And I would like our viewers to solve the question that root 3 is irrational. Also, one more, root 5 is irrational. Solve both of these questions and share with us. Right. Thank you very much. और मुझे लगता है आज का जो conceptualized session था, इसको बार-बार आप देखें, दोहराएं, जो कि आपको YouTube पर भी मिलेगा, NCERT के official YouTube channel पर थोड़ी ही देर में. तो तब आप जरूर अपनी जो concepts उनको clear कीजिएगा. कोई doubt हो तो जरूर पूछें. Thank you, Savita जी, आप हमारे साथ जुड़ें and you bring this chapter here in this first class of 10th. Thank you very much. Thank you, Rahul. हमारा ये सेशन मैथमेटिक्स का हम यहाँ समाप्त करेंगे. वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन विद द मैसेज ऑफ G20. वी आर प्राउड दैट इंडिया अज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर सबमिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन 2023. अ नेशन डीपली कमिटेड टू द डेमोक्रेसी एंड मल्टीलेटरलिज्म, इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी वुड बी अ वॉटरशेड मोमेंट इन द हिस्ट्री एज इट सीक्स टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल बाय फाइंडिंग द प्रैग्मेटिक ग्लोबल सॉल्यूशंस फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल एंड इन डूइंग सो मैनिफेस्ट द ट्रू स्पिरिट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम और द वर्ल्ड इज वन फैमिली. सो विद दिस पॉजिटिव नोट वुड like to conclude, but stay tuned for our next session. Stay tuned. Namaskar.